हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड्स मीडिया। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए इंस्टेंट कोकोनट चटनी की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही कम समय में और जल्दी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है एक मिक्सिंग जार, उसमें डाला है एक कटोरी दही। फ्रेश दही मैंने यूज़ किया है और उसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि जो बाज़ार में नारियल का भूरा मिलता है वो। मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये है भुने हुए चने। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो आप चना दाल को ड्राई रोस्ट करके 2 चम्मच उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भुने हुए चने या सत्तू डालने से ना हमारी जो कोकोनट चटनी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, अच्छे से सौंधी सी खुशबू आती है। फिर मैंने यूज़ किया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और नमक, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड मैंने कर लिया। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने तड़का पैन लिया है, उसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच राई। आप राई की जगह सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। जब अच्छे से सरसों राई चिटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। अब हम इस तड़के को ऐड कर देंगे नारियल चटनी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तड़का देने के बाद हमारी नारियल चटनी बनके रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप डोसे, उपम या किसी के साथ भी आप खाएंगी, सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगली बार फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।